ನಮ್ಮ ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹಮಾರಾ ಯಹಿ ಹೈ ಕೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಆನೆ ವಾಲಿ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ಭಿ ಕೆ ಬಚ್ಚಾ ಅಗರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ अगर उसके मुस्तकबिल में अगर वो कोई कारोबार या बिजनेस भी करे तो लेन देन किस तरह किया जाता है, किस तरह लिया जाता है, कितने पैसे लेना है उसको, किसे कितने रिटर्न करना है, तो यहाँ पर क्या है कि एक्टिविटी एक सरगर्मी के तहत क्या है ये हम कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें मैं हमारे पूरे टीचर्स और हम हमारे मीर मौलिम और सभी का ताउन रहा और हमारे चेयरमैन साहब की हमने राय लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिए हैं। तो यहाँ पर डाइस पर मौजूद हमारे एजेंसी चेयरमैन शकील बागमारे सर और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के तरफ से आए हुए इस्माइल सर और 15 नंबर स्कूल के एचएम हमारे स्कूल की मीर मौलिमा हवालदार मैडम साहबा और उनके शोहर आलमेल सर और 4 नंबर के जैनापुर सर और यलवा सर और आबिद हुसैन सर, इन तमाम का मैं यहाँ पर मैं खैर मकदम करती हूँ। आज 3 नंबर सरकारी स्कूल में फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम है, तो मैं पहले जैसे ही इस कैंपस में एंट्री हुआ तो मुझे एक तरह की खुशी महसूस हुई। मैं इस खुशी के लिए आप तमाम असातिज़ा को मेरे दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जो माहौल यहां पर जो आपने क्रिएट किया है वो मैं समझता हूं कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह का माहौल मुझे देखने नहीं मिला। जिस तरह से आपने इन बच्चों का लिबास बनाया है, जो मास्टरशिप सब बन के यहाँ पर रुके हुए थे, ये बहुत ही अच्छा यूनिक आइडिया है और बहुत ही अच्छा बच्चों में भी एक मोटिवेट होता है, उनको भी एक अच्छा अच्छे तरह से इस तरह से पेश किया जाता है होटलों में रेस्टोरेंट में, उन्हें भी नॉलेज दिया आपने, इसके लिए दोबारा आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और रही यहाँ पर जो पिछली दफा जो हमने प्रोग्राम किया था फूड फेस्टिवल का, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जैसे बोलते हैं ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ज्यादा अकलमंद होते जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे टीचर्स और ज्यादा होशियार और चालाक और बहुत ज्यादा अकलमंद हो रहे हैं और ये प्राइवेट स्कूल्स को भी पीछे छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं दिख रहे, वो आगे ही बढ़ रहे हैं। तो इसलिए फिर एक बार आप सबको मुबारकबाद है और साथ ही साथ इन सब कार्यक्रम में जो भी हो जिस तरह से असातिज़ों का अहम रोल होता है उसी तरह आप पेरेंट्स का भी अहम रोल होता है, आपके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। तो मैं इसके लिए बच्चों के पूरे पेरेंट्स को भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही यह साबित करती है कि आप को अपने बच्चों से इस स्कूल से कितनी मोहब्बत है और जो आप सबने बच्चों के साथ मिलकर जो इतना शानदार जो फूड फेस्टिवल को अरेंज किया है, एक से एक मजेदार यहाँ पर मेरे सामने डिश है, मगर बिना खाए ही बोल रहा हूँ, अगर खाने दिया जाता तो और अच्छी तरह से बोलता खाए, तो बिना जायके के ही बोल रहा हूँ, देखने से ही पता चल रहा है कि माशाल्लाह बहुत लजीज जायके आप लोगों ने यहाँ पर बनाए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप पेरेंट्स ने और बच्चों ने भी बहुत ही कोशिश की है कि इस शानदार इस प्रोग्राम को और शानदार करें। मैं दोबारा बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसी तरह इस स्कूल में होने वाले हर कार्यक्रम में दिल के गहराइयों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और इसी तरह बच्चों को मोटिवेट करते रहे। मैं आपको बता दूं, एजुकेशन से बढ़कर भी एजुकेशन के साथ बिजनेस भी जरूरी है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेशन के साथ किस तरह से बिजनेस किया जाता है सिखाया जाता है। आपके बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि अगर आप एक पापड़ी भी खरीदते हैं, एक कुरकुरे की पैकेट भी खरीदते हैं, तो उस पैकेट का रेट कितना होता है, दुकानदार कितने को लाता है और आप कितने को बेचते हैं और कितना मुनाफा होता है, तो बच्चों को एक तरह से नॉलेज मिलता है। तो ये नॉलेज के लिए जो प्रोग्राम किया गया है,
ये हर स्कूल में होना चाहिए। बहुत शानदार प्रोग्राम है, बच्चों को बिजनेस करने की थ्योरी मिलती है। तो पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि बच्चों को हर तरह से इस तरह की नॉलेज देते रहे। ये हिंदुस्तान में ऐसे तालीम कम है। अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करेंगे तो खास बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ऐसे बच्चों में बच्चे बचपन से यानी कि 10-12 साल से ही रावना शुरू कर देते हैं अपने तालीम के साथ। कुछ ना कुछ ऐसा स्किल उनको सिखाया जाता है कि वो तालीम करते हुए कुछ ऐसा बिजनेस ऐसा डेवलपमेंट करे कि उन्हें पैसे आए। तो ये इस तरह के अगर इसमें कुछ अकलमंद बच्चे हैं तो अपने तौर पर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो माँ बाप से कहेंगे कि आप ये करें, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट होता रहेगा। तो आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर मालदार या करोड़पति की बात करेंगे तो कोई आईएएस ऑफिसर आईएएस या डॉक्टर नहीं बल्कि बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनना भी जरूरी है, मगर उसके साथ तालीम भी बहुत अहम है। तालीम हासिल करते हुए अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आपका एक स्किल होना चाहिए कि आप कुछ करें। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर स्कूल में इस तरह होना चाहिए और माँ बाप बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से तमाम 3 नंबर साल स्कूल के असातिज़ाओं को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी बच्चों और पेरेंट्स को भी दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, ताकि आप इसी तरह इस स्कूल के साथ जुड़े रहे, हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरह हम इससे भी आलीशान यहाँ पर प्रोग्राम करें और बच्चों का अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश हमारे असातिज़ा से भी गुजारिश करूँगा कि बच्चों को इस बार अच्छे से अच्छा तालीम देने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करें, ताकि ये बच्चे यहाँ से निकल कर स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ के कॉलेज में भी अपना नाम करें और कॉलेज खुद पूछे कि ये बच्चे कहाँ से पढ़कर आए हैं, तो वो पूरे गर्व के साथ कह सके कि वो 3 नंबर स्कूल से पढ़कर आए हैं। तो मैं आप तमाम को दिल से कहता हूँ कि बच्चों को खास ख्याल रखिए। इतना कहते हुए आप सभी का दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आया और इस स्कूल का मैं चेयरमैन हूँ, इसकी भी मुझे खुशी है। इतना कहते हुए वो आकर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन। क्योंकि हम लोग एक बैरियर बना लिए कि पकाना खाना है तो सिर्फ खवातीन करेंगे, वुमेन्स के लिए है लड़कियां करना है, सिर्फ लड़कियां पकाएंगे लड़के खाएंगे। मगर इस चीज को तोड़ते हुए एक इक्वलिटी का सबक पढ़ाते हुए घर के तमाम काम लड़कियों और लड़कियां करना जरूरी है, इसको साबित करने के लिए यूपीएस नंबर 3 में जो है ना फूड फेस्टिवल का इनकार किया गया। ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है क्योंकि आज के इस दौर में सिर्फ कुछ ये काम लड़कियां करेंगे हम लोग महदूद कर लिए हैं। इसको जो है ना कि हमारा बैरियर बना के जो है ना कि हम उसको काम करने के लिए बच्चों को मना करते हैं, मगर इंसान जिंदगी जीने के लिए तालीम के साथ साथ दूसरी तमाम सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना बेहद जरूरी है। ये हमको छोटा सा फूड फेस्टिवल लग रहा है, मगर हम जब आला तालीम की बात करते हैं तो इसके लिए MBA इन होटल मैनेजमेंट, MCA इन होटल मैनेजमेंट, MBA इन होटल मैनेजमेंट बोल के जो है ना 3-3 साल के 4-4 साल के मास्टर डिग्रियां जो है ना कराई जाती है। तो एक उसकी शुरुआत है, ये उसकी एक तरह की जो है ना सोच है। इसी के साथ साथ लास्ट अजीम हस्तियां बैठे हैं, हमारे शकील बागमारे सर है, हमारे स्माइल सर है, हमारे जैनापुर सर है, अफजलपुर सर है, ये तमाम यहाँ पर मौजूद है। इनके सामने मेरी जरूरत कुछ नहीं कि मैं इनके सामने कुछ अपने बोल पेश करूँ, तो लेकिन ये बात हक बनती है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए मैं ये कह सकूं कि ये एक कॉम्पिटिशन लग रहा है मुझे, क्योंकि गर्ल्स वर्सेस बॉयज लग रहा है कि बाजू पड़ोस में गर्ल्स हैं और यहाँ पर बॉयज हैं, इन्होंने साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है और भी ओ भी इस मैदान में कि पकवान के मैदान में, क्योंकि पकवान अक्सर क्या है लेडीज का एक क्या है जेवर, एक हथियार कहो, एक पहचान मानी जाती है, लेकिन इस बात को उन्होंने इस लड़कों ने झूठ साबित कर दिया है कि हम भी पका सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं दुनिया के लिहाज से, तो हम भी घरेलू निजाम में हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बात का आपने लोहा मनाया। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी तैयारी की है और इस तैयारी के पीछे इनके असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों ने हिस्सा लिया है
तो इसके पहले इसके पीछे टीचर्स का दिमाग होगा या टीचर की सोच होगी कि उन्होंने इनके दिलों में बात बिठा दी होगी कि तुम ऐसा कर सकते हो, कर डालो। तो इसके साथ साथ इनके वालिद